सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज मयूर एंड यू आर वाचिंग राइड विद मयूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नया मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है जिसका नाम है गोग्रो 3। जी हाँ दोस्तों, गोग्रो 3 है, मतलब गोग्रो एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। दोस्तों उसमें कंपनी का यहाँ पर कहना है कि 170-180 किलोमीटर इसका जो है पर चार्ज मिलने वाला है। स्पीड मतलब आपको 80-60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड के बाद आपको इतना जो आपको एवरेज मिलने वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से हम बात करेंगे गोग्रो के बारे में, गोग्रो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है गोग्रो 3, उसके फैसिफिकेशन एंड उसके हाईएस्ट लेवल के जो फैसिफिकेशन है उसके इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। इसका प्राइस हो गया, बैटरीज हो गया, स्पीड, मोटर एंड उसके सारे फैसिफिकेशन हैं। आपको लास्ट में बताऊँ कि इसके प्राइस एंड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये एटो एक्सपो में, एंड आपको अब तक आपको जो है कब मिलने वाला है आपके मार्केट में वगैरह, अवेलेबल कब होने वाला है। सो सारा फैसिफिकेशन गोग्रो एंड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी का मतलब किलोमीटर के बारे में। एक से वो कंपनी यहाँ पर बोलती है 170-180 किलोमीटर यहाँ पर F1 चार्ज करने के बाद इतना इसका एवरेज आता है। जी हाँ दोस्तों, 170 किलोमीटर पर चार्जिंग आपको इसमें एवरेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें 2170 फॉर्मेट सेल्स अवेलेबल है जो कि पैनासोनिक की है। जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक की जो सेल होते हैं वो काफ़ी ऑसम होते हैं। तो इसमें पैनासोनिक की बैटरीज में इसमें सेल अवेलेबल है, 2170 अवेलेबल है। तो इसके काफ़ी ऑसम है, यहाँ पर जो हाइएस्ट लेवल वाले बैटरीज अवेलेबल है तो उसी कारण आपको 170-180 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि स्पीड की बात करें तो स्पीड आपको जो मिलने वाला है 82-86 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बैटरीज बहुत ही पावरफुल है एंड स्पीड भी आपको जो है पेट्रोल वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर उतना स्पीड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हाईएस्ट लेवल वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों, हाईएस्ट मतलब बहुत ही हाईएस्ट, जैसे एथर या बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर है। सो उसके बाद हमारा और भी हमारे स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब 86 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। एंड उसके बैटरीज की बात करें, फिर मैंने बता दी कि बैटरीज यहाँ पर कितनी अवेलेबल, बैटरीज की बात करें तो लिथियम आयन सेल्स की बैटरी अवेलेबल जो कि पैनासोनिक की बैटरी है। एंड दोस्तों, इसमें दो बैटरी अवेलेबल है। वन बैटरी की वेट की बात करें तो 2 किलोवाट का इसका जो वन बैटरी है, तो दो बैटरीज का 2 किलोवाट का बैटरी यहाँ पर हो जाता है। एंड उसके बाद इस बैटरी को आप निकाल भी सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे 22 मोटर फ्लो में आया है वैसे आप एथर वगैरह उस बैटरी को सीट के नीचे निकाल सकते हो। हाईएस्ट निकालने के बाद अपना जो इसमें सर्विस जो आपका होने वाला है, चार्जिंग पेट्रोल जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे आपको उस बैटरी डालना है एंड आपको जल्दी उसमें निकालना है। वैसे ही आप यहाँ पर टाइमिंग वगैरह नहीं दिया तो बस आपको वैसा करना है, उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में डालना है। एंड उसको आप जो है सर्विस स्टेशन पर चार्ज कर सकते हो, इसका सेटअप आप लगा सकते हो घर पर। जो चार्जिंग कप अवेलेबल होता है, चार्जिंग कैप उसमें अवेलेबल होता है जिसमें आप घर पर कर सकते हो चार्जिंग। सो वो भी आपको यहाँ पर जो अवेलेबल होता है बैटरी में, तो हाईएस्ट लेवल वाली बैटरी भी अवेलेबल है एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छा आता है दोस्तों, 170 किलोमीटर रियल में जाता है। उसके बाद मोटर की बात करें तो मोटर यहाँ पर जो है 6 किलोवाट की मोटर अवेलेबल है। हाईएस्ट लेवल मतलब डिजिटल सिस्टम वाला मोटर इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में अवेलेबल है इसका गोग्रो 3 में। तो दोस्तों, इसका मोटर भी इतना हाईएस्ट है कि इसका जो 8 HP का यहाँ पे पावर है उन्होंने दिया गया है मोटर का, तो दिखने में काफ़ी ऑसम लगता है। जो पिछले के टायर में मोटर अवेलेबल है वहाँ पर एंड हाईएस्ट लेवल मतलब 80-86 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देना मतलब इतना आसान नहीं है। तो उसी के लिए मोटर भी काफ़ी हाईएस्ट लेवल वाली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ की गई है। सो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके मटेरियल बॉडी के बारे में, जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कि कैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखने में इतना अच्छा, तो इसका बॉडी मटेरियल कैसा है। सो दोस्तों, बॉडी मटेरियल की बात करें ना तो ऑसम यहाँ पर आप कह सकते हो इसका बॉडी मटेरियल दोस्तों, वेरी नाइस यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है दोस्तों, वो बॉडी मटेरियल यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है वो दोस्तों 2 कलर में अवेलेबल है। जी दोस्तों, 2 कलर में अवेलेबल है। जैसे पिछले आप जहाँ पर बैठते हो सीट के ज़रा पीछे से आपको जो अलग सा कलर मिलने वाला है, उसके आगे आपको जो अलग सा कलर आपको मिलने वाला है। सो काफ़ी ऑसम इसका जो बॉडी भी मटेरियल है, उसका शेप वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो बॉडी मटेरियल भी काफ़ी यहाँ पर जो है डिसअपॉइंट वगैरह नहीं है, बेस्ट यहाँ पर जो है बॉडी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है। सो उसके बाद हम बात करते हैं इसके LED लाइट्स के बारे में दोस्तों, यहाँ पर LED लाइट्स एंड स्मार्ट की वाला ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट की यानी यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर स्मार्ट की या स्मार्ट कार्ड यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि ये US में अवेलेबल है एंड जल्दी आपको एटो एक्सपो में या मतलब जल्दी इसका जो लॉन्च हो जाएगा 1 महीने के बाद। ये कंपनी बोलती है 10 या 20 दिन के बाद ये लॉन्चिंग होने वाला, जैसे बुकिंग वगैरह हो जाएंगे तो
यहाँ पर जो एटोक्सपो में दिखाने वाले है, तो उस मैं आपको जो ये आपको आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आई है, तो वो देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो स्मार्ट की वाला अवेलेबल है, स्मार्ट की या स्मार्ट कार्ड आपको यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है। जैसे इस कार्ड वगैरह डालोगे तो उसके बाद ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, या अदरवाइज स्मार्ट की भी एंड रिमोट वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाता है। सो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका बूट स्पेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बूट स्पेस के बारे में बात बूट कर स्पेस यहाँ पर कंपनी ने दिया है गया है। जी हाँ, जैसे 22 मोटर फ्लो में आता है वैसा ही आपको यहाँ पर जो है बूट स्पेस मिलने वाला है। सेम मतलब फ्लो जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर दिखने में लगता है, यहाँ पर स्टाइलिश वगैरह। एंड जो बूट स्पेस में जो स्टोरेज अवेलेबल है वो दोस्तों 22 मोटर फ्लो जैसा अवेलेबल है। जैसे 2 हेलमेट आप आराम से रख सकते हो, 2 हेलमेट रखने के बाद 2 बैटरी आपको जो है इसमें, बड़े हेलमेट 2 रख सकते हो एंड बैटरी से रखने के लिए आपको आगे जगह मिल जाती है। तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने अभी तक 1,50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर जो है इन्होंने बिक चुकी है। जैसे कि डिलीवरी बॉय या एनी मतलब जो कंपनी यहाँ पर जो है टू व्हीलर पर जो सर्विस करता है, उन्होंने कंपनी का यहाँ पर जो है स्पॉन्सरशिप लिया था। तो वहाँ पर जो है इन्होंने डीलरशिप वगैरह देने के बाद इन्होंने वहाँ पर 1,50,000 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक चुकी है इलेक्ट्रिक कंपनी। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा ही फीडबैक आया है दोस्तों इस गाड़ी का। मेरे को अच्छा ये पॉइंट ये लगा कि इसका स्पीड स्पीड मतलब काफ़ी हाईएस्ट स्पीड है। एंड दोस्तों इसमें आपको 170 किलोमीटर का पर चार्ज वाला ऑप्शन है। लिथियम आयन सेल्स जो अवेलेबल वो पैनासोनिक के अवेलेबल, तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल वाले हैं दोस्तों। इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, प्राइस यहाँ पर US डॉलर में अवेलेबल है। एंड दोस्तों प्राइस बात आने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सबसे पहले फ्री सर्विस आपको अवेलेबल होने वाली है। फ्री सर्विस यानी 6 मंथ या 1 ईयर के लिए आपको जो है इसमें फ्री सर्विस कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। जैसे कि अगर आपको लेना है तो आपको जो यहाँ पर बैटरीज का जो सर्विस स्टेशन होता है उसमें आपको जो है कॉस्ट लेना पड़ता है, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए आपको जो है कॉस्ट देना पड़ता है। बट एक कंपनी आपको कुछ कार्ड वगैरह देने वाली है, उस कार्ड को आप यूज़ करके बस पेट्रोल जो चार्जिंग जो आपको जो है पंप होने वाला चार्जिंग आप इस पर कह सकते चार्जिंग स्टेशन, तो वो यहाँ पर आपका अपना कार्ड जो कंपनी देगी वो मतलब कुछ ATM की तरह होने वाला है। उस कार्ड को आप लगा के बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। 6 मंथ या 1 ईयर का आपको जो है इसमें सर्विस फ्री मिलने वाला है। उसके बाद आप इसमें ऐड करके आप मतलब सारा बैटरीज वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आता है इस स्कूटर में तो आप कंपनी आपको जो है फ्री में सर्विस करके देने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर US डॉलर में प्राइस अवेलेबल है। जैसे कि 2,555 डॉलर आप यह कंपनी ने बताया है। इसे आप कन्वर्ट करें हमारा इंडियन डॉलर में तो इसका पूरा आपको प्राइस मिलने वाला है 1,60,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,60,000। बट रुको, क्योंकि ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस नहीं है गोग्रो 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर का, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है US डॉलर यानी इंडिया के बाहर पर इन्होंने दिया है इतना प्राइस, तो इतना प्राइस इतना नहीं है इसका। क्योंकि इंडिया में दोस्तों सभी को पता होगा कि जो है FAME II वाला ऑफर अप्लाई हो चुका है, तो इसके सारे जो स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है वो अगर आप मतलब US में गाड़ी बनती है बट ये डीलरशिप वगैरह जिसका काम जो है इंडिया में करने वाला है, तो FAME II इसमें अप्लाई होने के बाद आपको इसमें सब्सिडी अवेलेबल होने वाली है। सब्सिडी अवेलेबल होने के बाद आपको जो है 1,30,000 या 1,30,000 के आसपास आपको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसका प्राइस रियल में 1,30,000 ही जाने वाला है। तो उसमें आपको जो है फ्री सर्विस अवेलेबल होने वाला है। 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको जो फ्री सर्विस आपको इसमें मिलने वाला है। उसके बाद आप ले सकते हो, उसके बाद सर्विस वगैरह अगर लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप चार्जिंग के लिए उसका कार्ड यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, माई एक्सपीरियंस आपको। सो गाइज, हम बात करें माय एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों ओकिनावा से मतलब ओकिनावा आईप्रेज है, एथर है एंड 22 फ्लो मोटर, ये आप प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपके सामने है। इस गाड़ी को आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हो, बट आपको दोस्तों ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर का फीडबैक अभी तक कुछ नहीं आया है। जैसे ये इंडिया में एक्सपो में या शो में आ जाएगा तो दोस्तों ये आपको कस्टमर बहुत सारे कस्टमर लेंगे, तो उसके बाद आप इसको ले सकते हो। बट आपको दोस्तों इसमें जो है जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो नॉर्मल सॉकेट आपको अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको जो है घर पर एक जो सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करने के बाद आप उसको ले सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद आप एथर भी ले सकते हो, एथर में भी आपको जो है सेटअप करना पड़ेगा। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है जैसे ओकिनावा आईप्रेज, 22 फ्लो मोटर, पेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप ले सकते हो। उसमें ज़रा सा स्पीड कम आता है, जैसे कि 70 या 60 का जो स्पीड आता है। बट दोस्तों आपको जो है इस गाड़ी में जो है आपको बहुत आपको जो हाईएस्ट फीचर एंड बहुत ही
आपको यहाँ पर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा है, बट आपको स्पेसिफिकेशन एंड बैटरीज में आपको जो है पैनासोनिक का सेल्स अवेलेबल है, तो उसी कारण आपको बैटरी में जो है कुछ खराबी नहीं होने वाली, एंड वन ईयर तक आपको जो है फ्री सर्विसिंग आपको जो है कंपनी की तरफ से मिलने वाली, तो आप इसको ले सकते हो। बट आपको जो है कस्टमर का फीडबैक वगैरह लेने के बाद आप ले सकते हो। काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्चिंग हुई है। सो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है तो आप आईप्रेज एंड फ्लो वगैरह ले सकते हो जब लॉन्चिंग हो गए, अदरवाइज ओके ना आईप्रेज ले सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपका स्पीड ज़्यादा लेना है, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।